साथियों, अविश्वास के वातावरण में देश का विकास संभव नहीं होता। कल मैं देख रहा था, पुणे के ही एक सज्जन श्रीमान मनोज पोचार्ड जी ने मुझे एक ट्वीट किया है। उन्होंने मुझे 10 साल पहले की मेरी पुणे यात्रा को याद दिलाया है। उस समय जिस फर्ग्यूसन कॉलेज की तिलक जी ने स्थापना की थी, उसमें मैंने तब के भारत में ट्रस्ट डेफिसिट की बात की थी। अब मनोज जी ने मुझे आग्रह किया है कि मैं ट्रस्ट डेफिसिट से ट्रस्ट सरप्लस तक की देश की यात्रा के बारे में बात करूं। मैं मनोज जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस अहम विषय को उठाया है। भाई और बहनों, आज भारत में ट्रस्ट सरप्लस पॉलिसी में भी दिखाई देता है और देशवासियों के परिश्रम में भी झलकता है। बीते 9 वर्षों में भारत के लोगों ने बड़े बड़े बदलावों की नींव रखी, बड़े बड़े परिवर्तन करके दिखाए। आखिर कैसे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ये भारत के लोग ही हैं जिन्होंने ये करके दिखाया। आज देश हर क्षेत्र में अपने आप पर भरोसा कर रहा है और अपने नागरिकों पर भी भरोसा कर रहा है। कोरोना के संकट काल में भारत ने अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास किया और उन्होंने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर दिखाई और पुणे ने भी उसमें बड़ी भूमिका निभाई। हम आत्मनिर्भर की भारत बात आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि भारत ये कर सकता है। हम देश के आम आदमी को बिना गारंटी का मुद्रा लोन दे रहे हैं क्योंकि हमें उसकी ईमानदारी पर, उसकी कर्तव्य शक्ति पर विश्वास है। पहले छोटे छोटे कामों के लिए आम लोगों को परेशान होना पड़ता था, आज ज्यादातर काम मोबाइल पर एक क्लिक पर हो रहे हैं। कागजों को अटैच करने के लिए आपके अपने हस्ताक्षर पर भी आज सरकार विश्वास कर रही है। इससे देश में एक अलग माहौल बन रहा है, एक सकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि विश्वास से भरे हुए देश के लोग देश के विकास के लिए कैसे खुद आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत आंदोलन को इस जन विश्वास ने ही जन आंदोलन में बदला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इस जन विश्वास ने ही जन आंदोलन में बदला। लाल किले से मेरी एक पुकार पर कि जो सक्षम है उन्हें गैस सब्सिडी छोड़नी चाहिए, लाखों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। कुछ समय पहले ही कई देशों का एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में सामने आया कि जिस देश के नागरिकों को अपनी सरकार में सबसे ज्यादा विश्वास है, उस सर्वे ने बताया उस देश का नाम भारत है। ये बदलता हुआ जनमानस, ये बढ़ता हुआ जन विश्वास भारत के जन जन की प्रगति का माध्यम बन रहा है।